जब हम छोटे थे हमें कितना आनंद आता था जब एक मैजिशियन अपने टोपी में से खरगोश निकालता था। कितना मजा आएगा अगर हमारे कपड़े और जूते भी जादुई हो। आई पूजा बजाज शाह द फाउंडर अलॉन्ग विथ माई हस्बैंड एंड मेंटर बिनॉय शाह वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू गिरगिट स्टोर। We are India's first color-changing product store. Kids और adults दोनों के products बनाते हैं because at the end of the day हम भी अंदर से बच्चे हैं। इस एक साल के सफर में we have sold 3,000 products and have 1,800 happy customers. हमारी मांग है 20 लाख रुपीस पर 10% स्टेक इन आवर कंपनी। सो शार्क्स, आर यू रेडी टू गिरगिट द फैशन टेक इंडस्ट्री टुगेदर? पूजा एंड बिनॉय, स्वागत है आपका शार्क टैंक पे। और मुझे आपका नाम बहुत पसंद आया। थैंक यू, इट्स सो कैची, मजेदार नाम है। तो आपकी जर्नी के बारे में बताइए। सो गिरगिट शुरू करने से पहले मैं मुंबई में एक लीडिंग इंटरनेशनल स्कूल में एक टीचर और कोऑर्डिनेटर का काम करती थी। फिर उसके बाद मेरा शादी हुआ एंड मैंने एक ब्रेक लिया। उस ब्रेक में मेरे हस्बैंड ने मुझे उनके पिगमेंट्स और डाइज दिखा रहे थे जो वे अपने कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं। उनमें से एक कलर चेंजिंग पिगमेंट था विच आई वॉज एक्सट्रीमली फैसिनेटेड अबाउट। और मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ मेरी फैमिली बिजनेस टेक्सटाइल्स में है, तो मुझे लगा मुझे ये रॉ मटेरियल कॉस्ट प्राइस से मिल रही है और एक रेडी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप एंड टू टॉप इट ऑल फॉर चिल्ड्रन, जिससे मुझे बहुत प्यार है। अच्छा, ये आपने दूसरी बार कहा है, तो क्या ये आपका पहला बच्चा है? यस, वी हैव अ बेबी शार्क। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। एंड आर यू कंफर्टेबल कि अगर आपको किसी वक्त बैठना हो तो प्लीज बी कंफर्टेबल? ओके, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और फिर मैंने काफ़ी महीना रिसर्च किया एंड वी फॉर्म गिरगिट। आपको नहीं लगा ये जो नाम है ये एक इन अ वे अच्छा नाम भी है बट इन अ वे मतलब नेगेटिवली भी परसीव हो सकता है? इट्स अ रिस्की नेम। आपको किसी ने गिरगिट बुलाया क्या कभी? हाँ, किसने? अमन ने। कौन? मैं? यस। सो आज के बाद जो भी गिरगिट बोलेगा वो मैजिक ही देखेगा गिरगिट नाम से। उनको सिर्फ बार बार मैजिक की बात करो, क्या है ऐसा गिरगिट में दिखाओ। प्लीज अलाउ अस टू शो यू सम मैजिक। श्योर। सो मैं लूक वार्म वाटर सिर्फ इस पे डालने वाला हूँ और देखिए क्या होता है। पैटर्न निकल रहा। व्हेन इट्स वेट तब सॉलिड होगा, जब आप बाहर निकलेंगे तो अनसॉलिड प्रिंट। जब स्विमिंग पूल में होगा तो कंप्लीट प्रिंट आ जाएगा। अच्छा, जब ये धूप में होगा इन द सनलाइट इट विल बी नो प्रिंट। इट्स टेम्परेचर सेंसिटिव। तो पानी गर्म था? पानी लूक वार्म है। यस। और जूते भी चेंज होते हैं कलर? जूते भी चेंज होते हैं। तो ये है हमारी ऑल टाइम फेवरेट वाइट कैनवस शूज। आई एम यूजिंग अ यूवी लाइट क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं है। अगर हम धूप में जाओगे या सनलाइट में तो हमारे जूते रंग बदलते हैं। My God! Wow! Are you sure कि ये UV of the sun is enough to change the color? 100%. ये cloudy day पे same change आएगा। इस पे आप draw, आपने भी draw कर सकते हैं, draw भी कर सकते हैं। और लोग smart watches अभी बहुत पहन रहे हैं। सफेद है अंदर and जब भी बाहर जाएंगे तो पूरे purple color हो जाता है। That is the same concept with the shorts. पूजा, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ बच्चों के लिए है, adults के लिए इतना चलेगा नहीं? So actually मैंने बच्चों के लिए ही शुरू किया था। फिर काफी customer feedback आ रही थी कि हमें coordinated pairs पहनने हैं shorts में, father and son, या लड़कियों को बहुत fascination हुई, इसलिए we started for adults also. Oh. लेकिन बिनॉय, ये आप फुल टाइम नहीं कर रहे हैं? नो, आई एम ओनली अ मेंटर एंड गाइडेंस।
20 साल हो गए फोटोक्रोमैटिक लेंसेज को चश्मों में, ठीक है, बहुत लोग यूज नहीं करते उसको. ऐसा क्यों हुआ? आप समझते हो इसको? आई नो द आंसर एंड इट इज द कॉस्ट प्राइस. रेगुलर पिगमेंट आप रेगुलर प्रोडक्ट में यूज करेंगे वो अराउंड 400 टू 500 रुपीज होती है, और आप ये स्पेशलिटी फोटोक्रोमिक पिगमेंट्स जब यूज करते हैं उनकी कॉस्ट प्राइस इज एटलीस्ट 60x. इसके वजह से आज तक कोई लेके नहीं आया. आप ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक एडवांटेज है बिकॉज ऑफ द फैमिली बिजनेस, कि आपको रॉ मटेरियल बहुत चीप मिल रहा है, जिसके वजह से ये आपका USP है. बताई दीजिए प्राइस क्या है? हम जूते 2000 के लिए बेचते हैं फॉर किड्स एंड 3000 फॉर एडल्ट. ऐसा कोई ब्रांड है इंडिया में कॉम्पिटिशन? नहीं. लास्ट मंथ क्या थी आपकी सेल्स? 8.5 लाख. और मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या चल रही है? द मंथ बिफोर दैट वाज 7.5 लाख, द मंथ बिफोर दैट वाज 5 लाख. तो ये कैसे बढ़ रहा है इतना तेजी से? यहाँ पे फेस्टिव सीजन शुरू हो रही थी. और ये सारा आपकी साइट पे हो रहा है? नो. देखो, मुझे लगता है कि खाली एक इस फीचर पे ब्रांड खड़ा करना मेरे हिसाब से एक स्केल चैलेंज आएगा, इसलिए मैं इससे बाहर हूँ. पूजा एंड बिनॉय, मैंने काफ़ी सारे यू नो मेकअप में ऐसे कलर चेंजिंग प्रोडक्ट्स देखे हैं एंड कभी इसको एज अ कैटेगरी बहुत बड़ा होते नहीं देखा है. बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, पर बच्चों की एक्साइटमेंट जितनी जल्दी स्टार्ट होती है उतनी जल्दी फेड आउट भी हो जाती है. तो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक. मुझे लगता है इसमें थोड़ा स्केल का इशू आएगा. एक यूएसपी लेके एक लेवल के बाद दाना थोड़ा टफ है. स्ट्रैटेजिकली देखना चाहिए. फॉर दोस टू रीजंस ओनली आई एम. मुझे लगता है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है देयर आर सम कैटेगरीज उसके लिए बहुत अच्छी प्रोडक्ट, लेकिन ये टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह में ये थोड़ा गिमिकी हो जाता है. इसलिए मैं थोड़ा समझ नहीं पाया आप इसको ग्रो कैसे करोगे, इसलिए मैं बाहर होना चाहूँगा. बट आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. यू नो लॉट ऑफ पीपल अंडर एस्टिमेट जो पावर होता है ऑफ सप्लाई चेन, ठीक है. तो आपके पास जो एडवांटेज है of getting cheap raw material and getting 80% gross margin, ye bahut bada advantage hai which can be a barrier to entry. Adults ko bhul jao aap. Agar aap 15 saal 0 to 15 mein capture kiya, cross selling jo ho sakta hai, backpack stickers slogans that teenagers are passionate about, jo color change karenge and just that slogan comes out, hats, T-shirts, ये first cry अलग platforms पे बहुत बड़ा बन सकता है. And so I would like to offer you 20 lakh for 20% equity. चलिए, बहुत अच्छे एक ऑफर मिला आपको. बधाई हो. हमारे पास एक आपके लिए काउंटर ऑफर है. 50 लाख सेल्स. आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ एज एन इन्वेस्टर, ठीक है. एग्जिट इज वेरी डिफिकल्ट इन बिजनेसेस लाइक योर्स. I would like to stick to 20 lakh for 20%. क्या करना चाहेंगे? 30 करोड़ का धंधा हो जाएगा, 5% ले लेना, दे दे. क्या करना चाहेंगे? हाँ या ना? चल बिना. 1, 2, 3. So sharks, deep pucky. All right. Congratulations. So much. Thank you so much. Thank My you. kids will be your biggest yeah. customers. I'm very sure of that. All right, good luck to baby. Thank you. Super. Nice. Awesome.